विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। हमने कक्षा 7 के लिए एक आदर्श मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड किया था, जिसमें ढेर सारी क्वेरीज आई। बहुत से गार्जियनों के पास मेरा मोबाइल नंबर, इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि सर पेपर बहुत कठिन है। तो मैंने कहा अगर पेपर कठिन तो मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। आज मैं उसी पेपर को लेकर के आऊँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे जो हमने वहाँ पर पहला प्रश्न रखा था कि प्लस और भाग को 2 और 5 को आपस में बदलते हुए इसको हल करना है, यानी जो आपको प्रश्न दिया गया था, हम सबसे पहले उस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया था आपका 8 + 4 × 5 भाग 2 − 3। ठीक है, अब इसने कहा था कि प्लस और भाग को चेंज करना है, 2 और 5 को चेंज कर लेना है। तो हम सबसे पहले देखिए 8 लिख लेंगे, लिखा हुआ था, और प्लस को भाग से चेंज करना था, भाग से हमने चेंज कर दिया, और 4 को एज इट इज लिखना था। इनटू उसने कहा था 2 और 5 को चेंज करना, तो 5 है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और भाग को जो प्लस से चेंज करना था तो यहाँ 5 आ जाएगा और -3। अब आप इसको हल कर देंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा 8/4, इसको 8/4 × 2 + 5 − 3। अब आप देखिए, यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 4 × 1 = 4, 2 × 8 तो 2 × 4 + 5 − 3, तो हो गया 9 − 3 = 6। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी सरल था, आपने सबने किया भी होगा, कई बच्चों ने इसके आंसर भी हमें भेजे हैं। तो देखिए 26 इसको भाग करना है, तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, वह गुणा लगा देते हैं, और जो अंश होता है उसे हर कर देते हैं, और जो हर होता है उसे हम अंश कर लेंगे, × 1/3 + 26। ठीक है, अब आप 3 और 3 को काट देंगे, तो 26 × 26 यानी 26 × 26 + 26, 26 और 26 हो जाएगा आपका 52, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही होगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न 3 की, प्राकृतिक संख्याएं ए बी और सी के लिए कथन, ब्रैकेट a.b.c = a.b.c को कहते हैं, तो इसे आपने देखा होगा अंग्रेजी में इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और हिंदी में इसको कहते हैं सहचर्य का नियम। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके लिए बेहद आसान होना चाहिए। देखिए, कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 420 हो, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर 100% बच्चे थे, उसमें से 70% बच्चे लड़के निकल गए, तो 30% जो है आपकी लड़कियाँ बची, यही 30% लड़कियाँ 420 के बराबर हैं। तो इसका मतलब टोटल हम पहले स्टूडेंट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट एक्स थे, और एक्स का जो 30% है, एक्स का 30% वो 420 के बराबर। अब हम इसको हल कर देंगे, 0 और 0 काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा 3x = 4, यानी 420 को 10 से गुणा कर देंगे तो 4200 हो जाएगा, तो x = यानी इसको 3 से हम भाग कर देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 4 = 12, यानी टोटल स्टूडेंट उस स्कूल में 1400 पढ़ते हैं, जिनमें से 420 लड़कियां हैं। इनको अगर हम घटा देते हैं तो सीधे सीधे यहाँ से 0, 8 और 9, यानी 980 जो है वो लड़के रहे होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न 5 की, थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, चूँकि कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके कोर्स में चूँकि 7th में का आप पेपर दे रहे हैं, इसलिए 6th में ये कुछ बोर्ड में या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आपको मालूम होने चाहिए, परिमेय और अपरिमेय। तो इनकी आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ढेर सारा मैंने डिटेल से बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ से अपरिमेय की बात बता देता हूँ पहले ही। अपरिमेय जो है ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम भाग करें तो कभी पूरी पूरी ना कटे और रिपीट ना हो दशमलव के बाद,
या आप बहुत छोटी सी परिभाषा याद कर लें, एक पाई और जिनके आप रूट नहीं निकाल सकते, ये सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो आप यहां से ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। बात करता हूं प्रश्न सिक्स की। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई 4 मीटर हो, तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई चूंकि बराबर है, तो मान लेते हैं उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है x है, ठीक है, यहाँ से आप x मान लीजिएगा। और अब आप कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फार्मूला जरूर लगा लीजिएगा। तो कमरे का फार्मूले का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर जो उसका क्षेत्रफल 128 के बराबर कर दीजिएगा। 2 लंबाई है x, चौड़ाई है x इंटू h यानी 4 है बराबर 128। अब देखिए x और x मिलके हो गए 2x, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दूनी 4 और ये इधर 4 है तो 4 चक्कू 16x बराबर 128। तो x बराबर हो गया 128 बटे 16, 16 एकम 16 अट्ठी 128, यानी लंबाई और चौड़ाई उस कमरे की 8 और 8 ही है यानी वर्ग है। तो क्षेत्रफल होता है कमरे का फर्श का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 अट्ठाई 64। तो यहाँ से आप 64 कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन सी। बात करता हूँ प्रश्न 7 की। मैं आपको बता दूँ अगर इस प्रकार का कोई भी आपको प्रश्न दिखता है तो आप ऐसे प्रश्नों को उदाहरणों के द्वारा ही हल करें तो आप बहुत अच्छे आंसर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें बताऊँगा केवल और केवल यहाँ पर मैं उदाहरण ही लेके बताऊँगा। किसी दो अंकीय संख्या, कोई भी दो अंक की संख्या मान लेते हैं 10, उनके अंकों को उलट दिया जाए, इकाई का दहाई, दहाई की इकाई, और उन्हें उनसे बनी संख्या का योगफल हमने जोड़ दिया, कितना गया 11। सदैव किससे विभक्त होगी? देखिए 11 से जरूर विभक्त होगी, इसमें कोई संख्या नहीं दी। चलिए अगर ये हमारा मान लिया बाई डिफ़ॉल्ट हो गया तो हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो 21, उलट दिया तो 12 बना, ये कितना आ गया 33। तो ये संख्या 3 और 11 से जरूर विभक्त है, इसका मतलब ये भी 11 से थी, ये भी 11 से थी, लेकिन ये 3 से दिखाई पड़ रही। चलो मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, मान लेते हैं 91, इसको उल्टा कर देंगे तो 19 आ जाएगा, जोड़ लें दोनों को तो 110 हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5 × 11। अब आप देखिए 2 भी है, 5 भी, लेकिन 11 इसमें भी है। हमने तीनों उदाहरण लिए, तीनों में संख्या किससे? सदैव की बात कर रहा है। तो कोई भी दो अंक की संख्या हम लिखें और उनके अंकों को पलटें और उनका एडिशन करें तो संख्या सदैव हमारी 11 से विभक्त होगी। बात करता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो चूंकि आपको पता है साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन समय दर बटे 100, या इंग्लिश में उसे कहते हैं PRT/100। तो यहाँ प्रिंसिपल देखिए 500 रुपये है, समय आपका 3 वर्ष है, दर 12 है अपान 100। आप इसे हल कर लेंगे दोनों जीरो, तो ये 5 × 3 = 15 आ जाएगा, तो ये हो गया 15 × 12, 15 × 12 की गुणा करेंगे आएगा 180। तो यहाँ से 180 यानी ब्याज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। तो देखिए 1500 पौधे हैं, अब चूँकि इन्होंने अलग अलग इसको जो है 2:3 में लगाया तो इनकी संख्या भी 2:3 के अनुपात में आनी चाहिए। तो हम पहला ए ले लेते हैं, ए में लगाए हैं देखो 200 और 1300, तो हमने 200/1300 कर दिया, इससे हमारा अनुपात आ जाएगा ये देखिए, तो ये 2:13 आया, ये तो हमने नहीं लिया, ये नहीं है। अब हम बी वाले में जाते हैं तो देखिए 500/1000 आप कर दीजिए, ये दो जीरो कट गए, 5 × 5 = 10 यानी 1/2 आ गया, यानी 1:2 में लगाए गए, ये भी नहीं। सी में देख लीजिए 600/900, जीरो दोनों कट जाएंगे, 3 × 6 = 9, ये आ गया 2/3 अर्थात 2:3, इसका मतलब यही वो पौधे हैं जो बच्चों ने लगाए हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा बीजगणित का -2x² - ब्रैकेट
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स को सरल कीजिए। मैं यहीं पर लिख करके आपको समझा देता हूँ। तो देखिए माइनस का टू एक्स स्क्वायर, अब आपको ये मालूम होना चाहिए जब भी किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस लगता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के फोर एक्स भी माइनस के फोर एक्स हो जाएंगे। अब देखिए माइनस के टू एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो केवल माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस के फोर एक्स, ये ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए यानी ग्यारहवां जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पर है, उसको भी मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ जहाँ भी स्पेस रहेगा। ये देखिए नीचे टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और माइनस लगाना है और सारे चिन्ह बदल देने, यानी माइनस का थ्री एक्स कर देना है, माइनस का वाई कर देना है और प्लस का टू जेड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक्स वाले को इनको और इनको एक साथ ले आएंगे तो यहाँ से थ्री एक्स में से टू एक्स निकल जाएगा तो ये केवल और केवल माइनस एक्स का बचेगा, ये वाई और वाई प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब टू जेड, ये टू जेड है, इसमें से एक जेड निकल जाएगा तो प्लस का एक जेड बच जाएगा। इसका मतलब x माइनस जेड यानी ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इस पर एक 100% आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ये फिफ्थ में भी आता है। यदि x बराबर 3 हो तो 35 माइनस 2 एक्स क्यूब का मान क्या होगा? तो आपके पास देखिए प्रश्न है 35 माइनस 2 एक्स क्यूब, तो आप यहाँ लिख देंगे 35 माइनस 2 और x की वैल्यू यहाँ पर आपकी है 3, 3 को कर देंगे हम तीन बार गुणा, तो अब देखिए हो जाएगा 35 माइनस 2 इंटू 3, 3 9 27, 27 दूना 54 यानी 35 माइनस 54। अब आप समझ गए होंगे 54 में से आपको 35 जो है वो घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 54 में से 35 को घटा लीजिएगा और जो भी आंसर अगर आपका आता है तो आप यहाँ पर देखिए 54 हो गया और ये 35 आप इसमें से घटा लेंगे तो ये यहाँ 9 आ जाएगा, यानी माइनस का 19 यहाँ से आएगा, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न घातांक से है, a इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार लिखना है, यानी अगर आप जैसे देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते थे तीन बार तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पर n है तो a की पावर n हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बात करता हूँ मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भी बीजगणित का है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, यानी x है यहाँ पे, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है तो हम इसको y से गुणा कर देंगे, y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर चार वर्ष बाद क्या होगा? तो एक साल बाद तो ये हो गई, दूसरी साल बाद फिर y गुनी हो गई और तीसरी साल फिर y गुनी और चौथे साल फिर y गुनी हो गई, तो इसका मतलब हो गया x इंटू वाई की पावर 4, यानी यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ प्रश्न संख्या 15 की, क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 125 इंटू 1000 माइनस में। अब देखिए 25 को आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस 5 का क्यूब है और ये आपका माइनस 10 का क्यूब है। अब दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बचे 50 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। अब बात करता हूँ प्रश्न 16 की, 6 8 10 5 12 13 ये दोनों है क्या? पाइथागोरियन त्रिक, तो पाइथागोरी त्रिक क्या होते हैं? कोई भी अगर आपके सामने तीन संख्याएं दी और सबसे बड़ी संख्या का अगर हम वर्ग करें, 10 का अगर हम वर्ग करें और दोनों जो अन्य जो संख्याएं अगर उनके हम संख्याओं के वर्ग करके जोड़े अगर ये बराबर हो जाए तो पाइथागोरियन त्रिक होते हैं। क्यों? दद्दहम 100 छचरम 36 8 अठाई 64, ये भी 100 आ गया। इसका मतलब पहली वाली संख्या हमारी पाइथागोरियन त्रिक है। दूसरी देख लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 प्लस 144 और ये 169। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये भी देखिए 169 इक्वल टू 169 ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं वो पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक हैं, यानी तो यहाँ पर 16 का पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 25 की पावर x माइनस 2
बराबर 125 टू एक्स माइनस थ्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बेस समान करेंगे, लेंगे 25 पाँच घात 2 की पावर x माइनस 3, और ये हो जाएगी 5 की पावर 3 की पावर 2x माइनस 3। अब अगर पावर की पावर यानी a टू द पावर m की पावर n हो तो ये हो जाता है a टू द पावर एम एन, यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, यहाँ से मैं कर दूंगा तो हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 5, इसको 3 से कर देंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 9। अगर आधार समान है तो घातें समान होती हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9। इन दोनों को आप हल करिए तो x की जो भी वैल्यू आपकी निकलती है वो आप यहाँ से चूज करके रख देंगे तो वही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू ये आपकी 3/4 जो है निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से आप 3/4 आंसर सही कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की घात क्या होगी। मैं बता दूँ, जो भी बहुपद होता है जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी 2 है, इसका मतलब बहुपद की घात 2 होगी। अगला है 6x स्क्वायर वाई जेड भाग 3xy किसके बराबर होगा। देखिए 6x स्क्वायर वाई जेड को आपको भाग कर देना है 3xy से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 1x इससे 1 कट जाएगी तो ऊपर बचेगा 2x, और ये y और y कट गया तो z, तो 2yz। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 20वें प्रश्न की, यदि 2x अपान 3x प्लस 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको तुरंत यहाँ से हल कर लीजिए, तो कोई हल करने में आपको देखिए 2, मैं इसी में हल कर रहा हूँ, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 से गुणा करना है 3x प्लस 1 को, तो हो जाएगा 2x बराबर 9x प्लस 3, 9x को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x माइनस 9x बराबर 3, तो हो जाएगा माइनस का ये 7x बराबर 3, तो x बराबर माइनस 3/7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/7, तो ये ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। राजेश ने एक साइकिल 250 रुपये में खरीदी और इसको 300 रुपये में बेच दिया, तो इसका ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है भाई, यानी और इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया साहब 300 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस पर कितना कमाया। देखिए 50 रुपये डायरेक्ट है क्वेश्चन ये, तो 50 रुपये किस पर कमाए, 250 पे, तो इसको कितना लाभ हुआ, बहुत आसान कि भैया 250 में लाभ हुआ 50 रुपये, तो एक पर कितना होगा, इसलिए 100 में कितना होगा। बस आप एक ही लाइन में इन सवालों को लगा सकते हैं, 25 से कम 25 दूना 50 और 10 दूनी 20, यानी 20% का उसको लाभ हुआ। हम कोई आपको फार्मूले नहीं बताएंगे कि आप उन फार्मूलों में उलझ के रह जाएं और आपका कोई भी प्रश्न फंसे, मैं ऐसा आपको कुछ भी यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। चलिए अगला प्रश्न है। एक धन 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बढ़कर 1100 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए। तो देखिए हम मान लेते हैं इसका मूलधन भाई एक्स रुपये है, कितना है मूलधन यहाँ एक्स रुपीज़ मूलधन है, तो आपका बढ़कर के 1100 हो गया, तो इसमें से घटा दो तो निकल आएगा ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, ब्याज तो ब्याज था आपका 1100 माइनस एक्स मूलधन एक्स, दर कितनी थी 5, समय 2/100, बस आप इसको हल कर दीजिए। देखिए मैं जल्दी करूँगा, 5 × 10 10 कट गया, अब आप 10 से इसको कर दीजिए गुणा, 11000 माइनस 10x बराबर x, और 10x इधर आ गया तो ये हो गया 11x बराबर 11000, तो x बराबर इसको आप 11 से कर देंगे भाग, 11 × 11, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से आपका ये आ जाएगा 1000, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य था वो 1000 रुपये था। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। एक वर्ग की एक भुजा क्या होगी यदि उसके विकर्ण की लंबाई, तो भुजा इसका फार्मूला होता है
वर्ग का विकर्ण यानी ए रूट टू बराबर, ये इसका विकर्ण है 4√2। इसका जहाँ ए भुजा है तो ए बराबर हो जाएगा 4√2 अपान √2 कट जाएगा तो ए इक्वल टू 4, यानी उसकी जो भुजा होगी वो 4 होगी। अगर आपको बहुत विद्वत पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो जो है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखेंगे सारे वीडियो मैंने ऐसे आपको कराए हुए हैं। यदि वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो याद ये रखना है कि जब आप विकर्ण को यानी ए रूट टू को, अगर ये तो हमारा भुजा ए थी तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल ए होता है, अगर आप दूना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो इसका मतलब आपने दूना कर दिया तो इसका जब हम वर्ग करेंगे 2a का तो हो जाएगा 2 × 2 = 4a², यानी पहले से ये कितना हो गया 4 times, 4 गुना ज़्यादा है। तो जब विकर्ण को अगर हम दूना करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है साहब वो 4 गुना बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। पाई का लगभग मान क्या होगा, चूंकि पाई का मान होता है 22/7। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए साहब, तो 7 तिहाई हो जाएगा 21, बचेगा 1 लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 = 7 बचेगा 3, 7 = 28। इसका मतलब पाई का जो मान है वो 3.14 के लगभग बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न है 1000 की पावर 9 / 10 की पावर 24 का मान क्या होगा। तो आप देखिए, आप लिख लीजिए 1000 की पावर 9 और अपान 10 की पावर 24, ऊपर आप लिख सकते हो 10³, ये आपको घातांक में पढ़ाया गया है, और उसकी पावर 9 अपान 10³, तो ऊपर हो जाएगी 10³ × 9 = 27/10¹। और अगर आधार समान हो तो घाते जो है ऊपर जाने पर एक घट जाएगी, तो 9³ थी नीचे 24 थी, तो ये हो जाएगा 10²⁻²⁴, तो 10³ और 10³ ही 1000 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, उसे आप यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, अगला है यदि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ से इसकी पहली जो संख्या हो गई वो हो गई 4x और दूसरी हो गई 5x, तो हम इसका पहले एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो देखिए x से कटेगा ये, तो हो जाएगा 4 और 5, इसका मतलब इसका लघुत्तम निकाल दे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा x × 4 × 5, यानी 5×20x, और इसका जो लघुत्तम है वो दिया है 180, तो हम 180 अंश के बराबर कर देंगे, सॉरी 180 के बराबर कर देंगे और 20 से इसको कर देंगे भाग, 2 × 2 = 18, यानी x की वैल्यू आ गई 9। तो सबसे छोटी संख्या 9 × 36 होगी और बड़ी 9 × 5 = 45 होनी होगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की 28 की। यहाँ पर देखिए 0.000008 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप ये होता है जैसे अगर आपसे पूछे कोई 325 का मानक रूप क्या होगा, तो 3.25 × 10^2, यानी इधर जितना चल के जाते हैं यानी एक अंक के बाद हमें डेसिमल लगाना ही होता है। अब अगर कोई पूछता कि 0.021 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हम इधर से डेसिमल को लेके यहाँ ले आएंगे, तो 1.1 यानी ये बनाएंगे, और कितना लेगा 3, तो 10⁻³, यानी हम जब बाएं से दाएं जाते हैं बाएं से दाएं तो ये माइनस में होती है, और दाएं से जब बाएं आते हैं तो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हम जीरो जो है कितने वहाँ पर चल करके जा रहा हूँ पीछे की ओर, तो जितने भी जीरो जाएंगे वो हम यहाँ पर जीरो का लगा लेंगे कि वो 10⁻⁴ में उन्हें चेंज कर लेंगे कि कितनी पावर यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब आप इसकी पावर को देखेंगे तो ये देखिए 8 हम यहाँ लेके आएंगे, इस डेसिमल को उठा के यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁴। अब कितने यहाँ पर अंक हम चल करके आ रहे हैं, अब हम यहाँ पर देखिए 8 अंक हैं, यानी 7 जीरो हैं और 8वां ये, तो -8, ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है।
कि 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 किसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको सबसे पहले यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे इन तीनों को, तो जो इसका जोड़ आएगा वो कितना आएगा, आप जब जोड़ोगे तो इसका जोड़ आ जाएगा 125। 125 देखिए ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पचम 25 पंजे 125। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए मैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कि एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर, यानी ये 50 सेंटीमीटर की भुजा है, और प्रत्येक कोने पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड चारों तरफ बनाए गए हैं, तो पार्क का शेष भाग क्या होगा। मैं इस चित्र को आपको मैं दिखाता हूँ, ये चित्र आपका बन के तैयार होगा। 50 सेंटीमीटर की देखिए पूरी भुजा है, और ये 7-7 सेंटीमीटर के त्रिज्य हैं, और उनसे ये देखिए वृत्त के रूप में निकाल दिया जाए, तो ये जगह जो है ये कितनी बचेगी। इसको बहुत आसानी से और एक लाइन में आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पूरे का अगर एरिया निकालें, चूंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हम कर देंगे यहाँ से देखिए 50 का स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये और ये, अब देखिए ये आपका देखिए ऐसे बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ साहब, एक तो भाग ये चौथाई, एक ये चौथाई, एक ये चौथाई और एक ये चौथाई, तो ये पूरा हुआ, तो ये पूरा क्या बन गया वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पचम 25 और पाई का मान होता है 22/7, और आर चूंकि यहाँ पर 7 है तो 7 × 7 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 7 × 14, 7 × 14 एक 15, 154 कम हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2346। तो 2346 जो है इसका क्षेत्रफल होगा जो बचा हुआ है, तो 2346 ऑप्शन ए आपका सही होगा। संभवतः ये हमारा हल कराया हुआ पेपर आपके जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपको इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।